हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो जो आज का जो चैप्टर है हमारा, वो है 7th क्लास का 10th चैप्टर, रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि व्हाट इज रेस्पायरेशन। सबसे पहले हम जो चैप्टर है उसका मतलब समझते हैं कि एक्चुअल में रेस्पायरेशन है क्या। तो हम जो सांस लेते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन जो क्रिया होती है, श्वसन क्रिया, यानी जो हम सांस लेते हैं, उस सांस से हमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो फूड है वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। वो डाइजेस्ट होने के बाद, यानी वो पच रहा है, पचने के बाद क्या हो रहा है, हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे जो जरूरी होता है कि हम जब रेस्पायरेशन हो रहा है, तो जो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज है सारे रेगुलेट हो रही है उससे। और रेगुलेट किसकी वजह से हो रही है, उस रेगुलेट की वजह से जो रीजन है वो है एनर्जी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन हमें इस वजह से जरूरत होती है क्योंकि हम एनर्जी प्रोवाइड होती है। हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं एनर्जी जरूरत पड़ती है। हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं कहीं, या फिर वॉक कर रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी कोई भी काम कर रहे हैं, हम जिम में जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। आपकी सुबह से लेकर शाम तक कोई भी एक्टिविटीज है हमारे शरीर की होगी, या फिर हमारे शरीर से बाहर की जो कोई एक्टिविटीज जो हम अपने शरीर से कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत है, हमें एनर्जी जरूरत। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप क्या करोगे, काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आप जो क्रिया है वो होंगी नहीं आपकी बॉडी में, आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो बचेगी नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, इवन जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप कई बार देखते हो सर्दियों में हम कई बार सो जाते हैं, सुबह सो गए या फिर पूरी नाइट सो गए, सुबह हम भूख लग जाती है। और हम सोए तो हैं, भूख क्यों लग रही है हमें, क्योंकि अगर हम सो रहे हैं तो उस टाइम भी हम रेस्पायरेशन कर रहे हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो खाना गया हुआ है वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। और डाइजेस्ट होने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। तो ये सारे प्रोसेस हैं, हमें जरूरत होती है रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी भी आपने अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की नीड पड़ती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, रेस्पायरेशन से। ओके, जैसे प्लांट अपने भोजन कहाँ से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। इसी तरीके से हम जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस होते हैं, यानी उनका रेस्पायरेशन सिस्टम क्या है, फोटोसिंथेसिस है। और अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या करेंगे, रेस्पायरेशन करेंगे। तो रेस्पायरेशन के थ्रू क्या होगा, हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद हमें एनर्जी मिलेगी। ओके, तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में टोटली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। तो रेस्पायरेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन अकर्स इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में क्या होता है, रेस्पायरेशन होती है। क्लियर, ये बात सबको पता है। तो रेस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को लेना, उसके बाद हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ जाता है, सेल्स के पास जाता है। सेल्स से क्या होता है, वो जो फूड होता है उसके साथ जाता है, और वहां से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी
एंड ऑल्सो इट विच एलिमिनेट एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेके एंड का, क्या है रेस्पिरेशन। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से एक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो सिंपली क्या होता है, हमारे फूड होता है, फूड होता है, अब फूड में फूड हमने क्या लिया एयर के साथ, तो क्या हुआ रेस्पिरेशन हो रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा और साथ में एनर्जी, क्या होगी एनर्जी। तो रेस्पायर जो फूड है उसमें मोस्टली जो हम कहते हैं वो ग्लूकोज है। तो प्रोसेस क्या होगा, ग्लूकोज प्लस में हम ये एयर की जगह क्या लिख सकते हैं ऑक्सीजन और रेस्पायरेशन इन बॉडी सेल, बॉडी सेल में वो और हमारा ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो रेस्पायरेशन इज ए काइंड ऑफ स्लो बर्निंग ऑफ फूड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो जिस तरीके से प्लांट्स होते हैं उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, बट वी हैव टेक रेस्पिरेशन। ओके, तो ब्रीथिंग टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है उसके मेनली टू पार्ट्स होते हैं, एक तो ब्रीथिंग एंड यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर रिलीजिंग ऑफ एनर्जी लाइक ग्लूकोज वगैरह। ओके, तो रेस्पिरेशन को जो फर्दर क्लासिफाई किया गया है वो टू टाइप से क्लासिफाई किया गया, कौन कौन सा है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दो तरीके से है रेस्पिरेशन, कौन कौन सा एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक का मतलब होता है, ये एरोबिक का मतलब होता है एरोबिक, यहीं से एक वर्ड आता है विद ईयर, ये इसका मतलब होता है विद ईयर। ठीक है, तो क्या होगा व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फूड अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, या फिर हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, ग्लूकोज है जो आपका ये प्रोसेस पढ़ा हमने, ये कौन सा है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसको हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, जो मोस्टली ऑल द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट लाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो खाना बनाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कभी ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज आप सबका कहाँ से मिलेगा, हमेशा फूड से मिलेगा। ओके, तो सेकंड है एनारोबिक, एना जहां वर्ड लिख गया यानी अब्सेंस हो गया, एना एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक का रेस्पिरेशन का मतलब होता है विदाउट एयर, एनारोबिक का ही मतलब होता है विदाउट एयर। ठीक है, मतलब व्हेन द ग्लूको व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यानी फूड व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर विदाउट अ यूज ऑफ ऑक्सीजन, या फिर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, जब हमारे एयर की एब्सेंस में हमारा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है उसको बोलेंगे आपका एनारोबिक। बट यहाँ पे क्या होगा, जो फूड है
वो किसके अब्सेंस में हो रहा है, यानी नो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपका जो ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, अल्कोहल में। किस में ब्रेक डाउन होगा, अल्कोहल में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी यहां भी निकलेगी, बट यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अल्कोहल में मोस्टली आपका होता है इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, ये आपका इथेनॉल। ओके, इसमें कुछ, इसमें तो सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो हमारे लिविंग हैं, इसमें मोस्टली आपके आते हैं। उनके मैं आपको एग्जांपल, जैसे ईस्ट हो गया, एग्जांपल में ईस्ट है, ये क्या है, एनारोबिक है। ईस्ट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है, ईस्ट जो होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसमें एक ही सेल होती है। ठीक है, और ये बिगर ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है ईस्ट। ठीक है, तो पार्शियल ब्रेक डाउन ग्लूकोज करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाता है, और इसकी वजह से ही आपके मोस्टली अल्कोहल बनता है। आप देखोगे जो कच्ची दारू बनती है वो क्या होती है, ऐसे ही दबा के रखते हैं, वो इसी तरीके से बनती है। तो ये एक अल्कोहल है, जो दारू होती है उसमें यही होता है, इथेनॉल ही होता है। ओके बच्चों, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स, एक और चीज आती है कि जब हम मोस्टली, आपने देखा होगा जिस टाइम हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते टाइम क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन नहीं यूज करते, वहां पे क्या होता है, जो आपकी बॉडी है उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो आपने देखा होगा जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, नो ऑक्सीजन, क्योंकि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। क्योंकि आप देखते हो जब रनिंग करते हो तो आप बहुत तेजी से सांस लेते हो, या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत तेजी सांस लेते हो, तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो उस टाइम क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता था इन मसल्स में। तो आपने मसल्स देखे होंगे, जब आप जिम वगैरह जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है बाजू वगैरह में। ठीक है, तो क्या रिलीज होता है आपके वहां पे, लैक्टिक एसिड। क्या रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। ओके, तो एनारोबिक टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग एनी विगोरस फिजिकल एक्टिविटीज। विगोरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिन मेहनती का काम होता है उस टाइम। ठीक है, एंड व्हेन ऑक्सीजन गेट अप यूज्ड बाय फास्टर इन मसल्स देन द सप्लाई ऑफ द ब्लड। जो हमारा सप्लाई है उससे ज्यादा फास्टली हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो इस वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। क्लियर, तो ये थे कुछ इसमें एरोबिक एंड एनारोबिक चीजें। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।